असलकुम वेलकम बैक टू आवर चैनल कैसे हैं आप सब अलहद हम सब खैरियत से हैं और सर्दी को खूब सारा जो है न वह इंजॉय कर रहे हैं ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जुहान के लिए फिरनी उसके लिए मैंने लिया है चावलों का आटा दो चम्मच चावलों का आटा एक कप जो है इसमें दूध डाला है हाफ कप पानी और दो चम्मच चीनी के डाले हैं और एक चम्मच मेरे पास ना पिसा हुआ ड्राई फ्रूट था तो वो मैंने इसमें शामिल किया इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूंगी दूसरी तरफ आ, कुछ सामान वग़ैरह लेके आए थे मैंने कहा चलो उनको बॉक्सेस में डालती हूँ ये जो है ये है पॉप्स उनको घर में जो है ना अच ऑयल में फ्राई कर लेते हैं हेल्दी तो नहीं होते लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं वो उनको बाजार से ला के खाते हैं तो वो अच्छे नहीं होते पता नहीं कौन सा वो लोग ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता उसके अलावा ये आया था ऑयल कुकिंग ऑयल हम लोग मिज़ान वालों का यूज़ करते हैं तो हर दफ़ा मिज़ान वालों का नहीं आता चेंज ही होता है कभी कोई तो कभी कोई उसके अलावा चीनी थी तो चीन को चीनी को जो है ना वो मैं जार में डाल दूँगी जार इस दफ़ा वॉश ही नहीं किया सर्दी की वजह से कुछ धूप निकलती नहीं है खुश्क होता ही नहीं है तो फिर बस ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं तो इसको फुल कर लूँगी और साथ ही साथ जो है न, वो फिर जो है वो भी तैयार हो रही है और को मैं कैबन में भी रखती दी जाऊँगी काम जो है वो जल्दी से सिमट जाए जो जो है इस वक्त अपने पापा के पास है तो मुझे जल्दी जल्दी जो है ना सब कुछ वाइंड अप करना है डब्बे में ऑयल पहले से ही था तो इसलिए फिर मैंने ये निकाला ही नहीं मैंने कहा इसको ना शॉपर में डाल के एज़ इट इज ही रख देती हूँ जब ज़रूरत होगी तो फिर डाल लेंगे क्योंकि ये एक अगर खोल लिया ना पैकेट तो ये पूरा नहीं आना वो जार में ना फिरनी को देखते हैं कहाँ तक पहुँची है इसको अच्छे से ना मिक्स करूँगी और अगर ये गाढ़ी गाड़ी होगी तो उसको उतार के ठंडा होने के लिए रख दूँगी तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये अच्छे से थिक हो चुकी है तो बस मैं इसको उतार दूँगी फिर इसको ठंडा करके तो जोहान के पास बैठ के उसको कार्टून लगा के दूँगी और कार्टून देखा गया और साथ साथ ये खिलाऊँगी नहीं तो वो ज़िद करता है कहता है मुझे पकड़ाओ मैं खुद खाता हूँ तो सब कुछ ज़ाया कर देता है फिर उसके बाद जो था ना वो किचन में हम मैं आई थी शाम में ऊपर लकड़ियाँ जलाई हुई थी मेरे ससुर ने तो फिर मम्मा ने ऊपर सालन बना लिया था, तो मैंने फिर नीचे जो था मैंने कहा चलो जुहान के लिए चावल बनाती हूँ और साथ में रोटियाँ वगैरह बना लेती हूँ जुहान के लिए सिंपल से चावल बन रहे हैं हाफ मैंने प्याज काटा है उसमें एक चम्मच मैंने ऑयल का डाला है और एक कटोरी ही मैं इसके लिए सिर्फ चावल बनाऊंगी एक प्लेट से थोड़े से ज़्यादा बनते हैं तो ये देखिए प्याज को हल्का सा जो है ना वो ब्राउन कर लूँगी और इसमें जो है वो नमक और पानी शामिल करूँगी दैन चावल डाल के तो दम पे रख दूंगी यह देखिए झटपट जो है ना वो बन जाते हैं चलते फिरते तो मैं तो खाने से पहले ही बना के रख लेती होती हूँ ना चौहान के लिए जब उसको खाने होते हैं फिर जल्दी से जो है ना उसको गर्म किया और बच्चे को खिला दिया लेकिन फ्रिज में रखा हुआ मैं इसको नहीं खिलाती कि ये नहीं कितने कितने दिन फ्रिज में रखा रहे उसमें फ्रिज से निकाल के गर्म करके खिलाया वो नहीं मतलब आज बनाया ना तो एक दो टाइम जो है ना वो चला लेती हूँ दोपहर में या शाम में इस तरह ना दूसरी तरफ मैंने आटा निकाल के रखा है फ्रिज से काफ़ी देर से रखा हुआ था अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया तो इसके जल्दी से पेड़े बना लेते हैं हमारे घर में सात अफराद हैं और एक बच्चा है जुहान आठ अफराद हैं तो दस रोटियां बनती है एक छोटी सी रोटी जो है ना वो जुहान की बनती है आज जुहान के लिए चावल बने हैं तो इसलिए उसकी रोटी नहीं बनेगी नौ रोटियाँ बनेगी जल्दी जल्दी से जो है ना वो पेड़े बेल लूँगी जुहान किचन में आ गया था रोने लग गया था अभी उसको मैंने फिर दोबारा से रो में भेजा उसके पापा के पास तो उन्हें भी इस टाइम काम करना होता है तो ये फिर पास रोता है और बार बार कंप्यूटर की जो है ना वो तार ने, उसके प्लग निकाल देता है कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है बहुत ज़्यादा तंग करता है ना छोटा सा बच्चा है अब उसको भी होता है कि मेरे साथ खेलें बड़े जो होते हैं वो काम में मसरूफ़ होते हैं तो बस फिर मैनेज नहीं हो पाता यहाँ जो चावल हैं वो तकरीबन तो डन होने वाले हैं तो मैंने सोचा कि इसको ना दूसरी तरफ रख देती हूँ दूसरे चूल्हे पे और इस तरफ तवा रखती हूँ कि वो गर्म हो जाए और जल्दी से जो है ना रोटियाँ बन जाएँ गैस तो आता नहीं है हम लोग सिलेंडर जो है वो यूज़ करते हैं मेरे ससुराल में तो गैस वैसे ही नहीं है तो मैके में है गैस लेकिन सर्दियों में तो वहाँ पर भी नहीं आता यहाँ पर हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं और सर्दियों में जो है ना वो लकड़ियाँ वगैरह भी जला लेते हैं क्योंकि ठंड होती है तो फिर इसी बहाने सब लोग बैठ जाते हैं आग वगैरह सेक लेते हैं मेरी रोटी माशाल्लाह बड़ी परफेक्ट है ये देखिए बड़ी सारी बनती है और आटा अगर आपका अच्छा गूँधा होना तो रोटी जो है वो टूटती नहीं है और अच्छी बन जाती है मुझे ना पतली पतली सी रोटियाँ बड़ी पसंद है थोड़ी बड़ी साइज़ में हो यानी नॉर्मल साइज़ से थोड़ी सी बड़ी हो और पतली सी होना रोटी तो वो अच्छी लगती है सर्दियों में ना किचन में रहना बड़ा ही मज़े का होता है बस एक दफ़ा बिस्तर से निकलना ही जो है ना वो मुश्किल होता है जब आप एक दफ़ा बाहर आ जाते हो बिस्तर से रूम से बाहर आ जाते हो फिर जब आप शुरू कर देते हो ना काम किचन में फिर जितना मर्ज़ी कर दे जाओ फिर नहीं महसूस होता बस आपके पाँव जो है वो कवर होने चाहिए सॉक्स वगैरह शूज़ वगैरह पहन के पाँव को कवर कर लें और अपना सर जो है उसको ढाँप लें फिर आप जितना मर्ज़ी काम करें महसूस नहीं होता सर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और खूब जो है ना वो धुंध है इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मैं ऊपर वाले पोर्शन में हूँ और यहाँ खिड़की से बाहर देख रही हूँ इस टाइम ना इतना ज़बरदस्त व्यू देखने में बड़ा अच्छा लगता है ऐसे धुंध ही धुंध कुछ भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे इसके बुरे असरात भी हैं ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है घर से बाहर जिन्होंने जाना उनके लिए परेशानी होती है अभी मम्मा जो हैं वो छत से आ गई थी और ये ना सालन कह रही थी इसको एक दफ़ा दोबारा गर्म कर लो फिर गर्म गर्म रोटी के साथ सब खा लेंगे <laughs> तो मुझे कह रही काली जो है ना पतीली नज़र आ रही है मतलब ना देज की नज़र आ रही है क्रैमरे में मैं आ रही है तो कोई बात नहीं लोगों को भी पता है गैस नहीं है तो तकरीबन हर घर में कोई लकड़ियाँ जला रहा है कोई जैसे भी मैनेज कर रहे हैं आलू और मटर बने हैं शोरबे वाले मुझे बड़ी पसंद है शोरबे वाली सब्ज़ी हमारे यहाँ ना इधर ससुराल में बहुत कम शोरबे वाला ना ग्रेवी ये ना ग्रेवी नहीं बनाते सूखे सूखे सालन भुने हुए वो ज़्यादा पसंद करते हैं तो मेरी तो आज ईद है मुझे बड़े पसंद है ग्रेवी वाले सालन हल्का सा शोरबा वो मज़े का लगता है रोटियां जल्दी जल्दी से बना लेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं जुहान के चावल डन हुए हैं कि नहीं चावल हो गए थे डन इनको फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसको मैंने थोड़ा सा स्टिकी रखा था बहुत ज़्यादा इनको यानी वो होते ना खड़े खड़े चावल नहीं थे बनाए बच्चे ने खाने थे तो वो फिर हजम नहीं करता सही से ना तो उसके चावल जब तक मेरी रोटियां बनेंगी चावल ठंडे हो जाएंगे और फिर मैं उसको खिला दूंगी रोटियां बन गई हैं और इनको कवर करके कर रख दूंगी जिसने जब खाने आराम से आएंगे यहाँ से लेंगे और खा लेंगे <laughs> ये जुहान के चावल थे उसके अलावा ये एक्स्ट्रा थोड़े से बच गए थे तो मैं मैं तो खुद चावलों की बड़ी शौकीन हूँ मैंने कहा चलो फिर जुहान को बाद में खिलाऊंगी पहले मैं खा लू किचन से जाने को दिल ही निकाल रहा था इतना मतलब चूल्हा जल रहा था ना तो गर्म हुआ हुआ था किचन क्या बात है मेरी इतने क्यों कोई जबरदस्त लगते है ना इतने क्यों कोई जबरदस्त लगते हैं शोरबे वाला सालन हो कोई सा भी और साथ में चावल हो जीरे वाले या फिर प्याज वाले जो है ना वो चावल हो हमारे मे, मेरे ससुराल मेके में इतने बहुत ज्यादा चावल वो लोग बनाते हैं <laughs> तो मुझे तो खुद चावल बड़े पसंद है जवान के चावल जो है वो ऑलमोस्ट ठंडे हो गए